अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ्रॉग अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने इंटरनेट जारफ उर्दू पेपर टू यूनिट 8 गैर अफसानी नसर का आगाज़ और इर्तका के मुतालिक 20 अहम मारूसी सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 1। तो आइए बिला ताखीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, सवाने किस जबान का लफ्ज़ है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अरबी। अरबी जबान का सवाने है किस जबान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 2 है, उर्दू का पहला सवाने निगार और पहली सवाने हयात नाकदीन ने किसे तस्लीम किया है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, हयात हाली और हयात साथी। हाली को पहला सवाने निगार तस्लीम किया जाता है और हयात साथी उनकी पहली सवाने ही किताब है। सवाल नंबर 3 है, हाल ही ने हयात जावेद को कितने वर्षों में मुकम्मल किया था? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 6 वर्षों में मुकम्मल किया था। सवाल नंबर 4 है, हयात जावेद में कितने हिस्से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 2 हिस्से हैं। सवाल नंबर 5 है, सर सैयद की निजी और अवामी जिंदगी के तमाम पहलुओं और वाकयात को ज़िल में से कौन सी किताब अहाता करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हयात जावेद। सवाल नंबर 6 है, अल फारूक किस बड़ी शख्सियत की सवाने उम्री है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब। सवाल नंबर 7 है, हजरत उमर की सवाने उम्री अल फारूक कितने हिस्सों पर मुश्तमल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 2 हिस्सों पर मुश्तमल है। सवाल नंबर 8 है, अख्तर ईमान की खुदनविश्त इस आबाद खराबे में कितने अबवाब पर मुश्तमल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 15 अबवाब पर मुश्तमल है। सवाल नंबर 9 है, अख्तर ईमान की खुदनविश्त इस आबाद खराबे में किस रसाले में किस्तवार शाये हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सौगात। ये महमूद अयाज का रसाला है सौगात, जिसमें अख्तर ईमान की खुदनविश्त इस आबाद खराबे में किस्तवार शाये हुई। अख्तर ईमान किस अदीब के तकाजे पर इस आबाद खराबे में के अबवाब में लिखा करते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, महमूद अयाज, जिनका रिसाला है सौगात, उस अदीब के तकाजे पर इस आबाद खराबे के अबवाब पर लिखा करते थे। ए होमा दर पर दा नेहा राजे तू बेखबर अंजाम मिजा आगाज़े तू, इस शेर से किस किताब की तमहीर की इब्तदा होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अल फारूक। सवाल नंबर 12 है, अख्तर ईमान की खुदनविश्त इस आबाद खराबे में का मुकदमा किसका तहरीर किया हुआ है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू, सुल्ताना ईमान। सवाल नंबर 13 है, आले अहमद सरूर ने अपनी खुद नविश्त ख्वाब बाकी हैं किसकी तहरीक पर लिखना शुरू किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री, नुसरत इंदराबी। सवाल नंबर 14 है, जेल में से कौन सा उन्वान खुद नविश्त ख्वाब बाकी हैं में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू, बदायूं। ये उन्वान ख्वाब बाकी हैं में शामिल नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले मैं माजरत खा हूं कि मैं कुछ दिन आउट ऑफ स्टेशन था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, और एग्ज़ाम 22 अक्टूबर को होने वाला है, इसलिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और यूनिट भी मुकम्मल नहीं कर पाया। लेकिन आप जो है अगर वाकई इंटरनेट पास करना चाहते हैं तो आप वीडियो को बाज़ाब्ता पाबंदी के साथ देखें। मैंने जितना बनाया है वो बहुत काफ़ी है, लेकिन उसके अलावा भी और कुछ आप अलग से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर के यूनिट वाइज वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे हर तरह की वीडियो मैंने बना दिया है, फर्स्ट पेपर के भी वीडियो है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द इस यूनिट को ख़त्म करने का। तो उसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे इंटरनेट फॉर गया दब के नाम से मेरा चैनल है, जहाँ पर उर्दू किताबें पीडीएफ में और रोज़नामा एक बार मिलते हैं। शुक्रिया। सवाल नंबर 15 है, आले अहमद सरूर की खुद नविश्त ख्वाब बाकी हैं में कितने उन्वानात हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 7 उन्वानात थे। सवाल नंबर 16 है, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं फिर वही जिंदगी हमारी है, गालिब के इस मशहूर शेर से ख्वाब बाकी हैं का कौन सा हिस्सा शुरू हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अलीगढ़। सवाल नंबर 17 है, वरूदे मशहूद का पहला एडिशन कितने अबवाब पर मुश्तमल था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 17 अबवाब पर मुश्तमल था। सवाल नंबर 18 है, वरूदे मशहूद के दूसरे एडिशन में कितने अबवाब हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 18 अबवाब हैं। सवाल नंबर 19 है, तसानीफ के एतबार से शन इशात दिए गए हैं, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए, यानी कौन सी किताब किस सन में शाई हुई? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको दुरुस्त जोड़ की निशानदेही करनी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वरूद मशहूद। ये 1989 ईस्वी में शाई हुई है। हयात जावेद 1996 ईस्वी में नहीं बल्कि 1901 ईस्वी में शाई हुई है। अल फारूक 1898 ईस्वी में शाई हुई है। इस आबाद खराबे में 1896 ईस्वी में शाई हुई है। सवाल नंबर 20 है, आले मशरूर ने अपनी खुद नविश्त का इंतसाब अपने जिन नवासे और नवासियों के नाम किया है, जेल में से उनमें कौन शामिल नहीं है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, महताबी। ये उनवान नहीं शामिल है।
दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।